वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं आपके साथ वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। हेल्थ एंड सेफ्टी में अल्कोहलिज्म का अर्थ क्या होता है, आज इस सेशन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है जो अक्सर आए दिन अभी जो गल्फ जॉब इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा गया था और आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। तो आज के इस क्लास में अल्कोहलिज्म के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अल्कोहलिज्म शब्द से कंपनी क्यों डरती है, आखिर वह कौन सा कारण है कि इस शब्द को सुनते ही कंपनी घबरा जाती है और कंपनी कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये शब्द हमारी कंपनी में होना ही नहीं चाहिए, इस तरह का कोई भी शब्द हमारी कंपनी में नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट जो है, अल्कोहलिज्म की पहचान कैसे की जाती है, आखिर कैसे पता चलता है कि अल्कोहलिज्म है या नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी को अल्कोहलिज्म से क्या नुकसान होता है। आज हमारे पास ये चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन पे मैं जवाब दूंगा, चार क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, एक एक चीज को आप ध्यान से समझिए ताकि आने वाले समय में आपका इंटरव्यू आपका एग्जाम और भी बेहतर हो सके। हेल्थ एंड सेफ्टी में अल्कोहलिज्म का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं कि अल्कोहलिज्म का अर्थ क्या होता है। तो जैसे इस शब्द यह शब्द हमारे सामने आता है तो हम लोग कुछ इस तरह की बातें सोचते हैं कि होता क्या है। तो इसे बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर में आप कह सकते हैं, जब किसी व्यक्ति के शरीर में नशा की मात्रा अत्यधिक मात्रा में खून में मिला हुआ हो तो इस तरह की समस्या को अल्कोहलिज्म कहा जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के शरीर में नशा की मात्रा कहां मिला हुआ, खून में मिला हुआ हो और तो इस तरह की समस्या को अल्कोहलिज्म कहा जाता है। दूसरा टर्म्स क्या है, मेडिकल टर्म में अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में नशा की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह बीमारी उस व्यक्ति को होता है जो विगत 5 वर्षों से लगातार शराब व अन्य नशा करता आया हो या उसका सेवन करता आया हो। अगले पॉइंट की बात करेंगे, अल्कोहलिज्म के मरीज शराब के बगैर नहीं रह सकते, उन्हें हर हाल में शराब या अन्य प्रकार का नशा अवश्य चाहिए, इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी तक आपने ये समझा कि अल्कोहलिज्म का जो अर्थ हुआ वह हुआ कि इसी व्यक्ति के बॉडी में उसके ब्लड में उसके खून में नशा का मात्रा यानी शराब का जो मात्रा है वो काफी अधिक है और वह ब्लड जो है और जब वह ब्लड तब तक सुचारू रूप से काम नहीं करेगा जब तक कि उसे अल्कोहल नहीं मिलेगा, या एक तरह का एडिक्शन है, एक तरह का लत कह सकते हैं इसे। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, अल्कोहलिज्म से कंपनी क्यों डरती है। जब इस बात को हम डिस्कस करते हैं कि अल्कोहलिज्म से कंपनी क्यों डरती है तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि कंपनी अल्कोहलिज्म शब्द से इसलिए डरती है क्योंकि यह शब्द अपने आप में एक मुसीबत है जो कंपनी को हाई रिस्क पर ले जाती है। यदि उस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना हो जाती है तो सारा रिस्क कंपनी पर जाता है और कंपनी की छवि खराब होती है। यानी आप ये सोचिए कि अल्कोहलिज्म होने से अगर कोई अल्कोहलिज्म नामक कर्मचारी एम्प्लाई आपकी कंपनी में काम करता है तो उसी समय आपकी कंपनी हाई रिस्क पर चली जाती है और इसे हम कहते हैं हिडन हाई रिस्क, यानी एक ऐसा रिस्क जो छुपा हुआ हो। ठीक है, आगे चलते हैं, कंपनी एक्ट भी किसी बीमार को नौकरी पर रखने की इजाजत नहीं देती। अगर हम इंडियन कंपनी एक्ट की बात करें या फॉरेन कंपनी एक्ट की बात करें तो ये दोनों कंपनी एक्ट जो ये कहती है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को आप काम पर नहीं रख सकते। और अल्कोहलिज्म क्या है, एक तरह की बीमारी है, तो जब वो बीमारी किसी व्यक्ति को होगा तो फिर जो हेल्थ की आप परिभाषा कहते हैं द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ, वो परिभाषा तो गलत हो गया। तो यहां पर हमें हेल्थ की परिभाषा को देखते हुए और कंपनी अपने नियम और कानून को देखते हुए यह कहती है कि नहीं, हम किसी बीमार को नौकरी पर नहीं रख सकते, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो और चाहे वो कोई भी बीमार हो, उसे हम नहीं रख सकते। आगे देखते हैं, अल्कोहलिज्म को दूसरे शब्दों में शराब पीने की लत या शराबी भी कहा जाता है। यह एक सामाजिक बीमारी है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और कुछ चलते हैं आगे, कंपनी को अल्कोहलिज्म से क्या नुकसान होता है। अगर ये क्वेश्चन हो आपसे कि कंपनी को अल्कोहलिज्म से क्या नुकसान होगा, अरे भाई कोई पी रहा है क्या फर्क पड़ता है, कंपनी में तो काम कर रहा है ना, अपनी ड्यूटी दे रहा है,
तो ड्यूटी देना तो दूर बात सर, उसकी हायरिंग ही नहीं होती है, उसका सिलेक्शन ही नहीं होता है। अब देखिए उसके कुछ रीजन है। अल्कोहलिज्म का अर्थ है एक बीमार व्यक्ति जो किसी कार्य के लिए सक्षम नहीं है। कानून भी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखने की इजाजत नहीं देता। जब कानून किसी बीमार व्यक्ति को नौकरी पर रखने की इजाजत नहीं देता और उसके बाद आप उस व्यक्ति को नौकरी पर रखते हैं, तो अपराधी कौन हुआ? तो अपराधी कंपनी होती है, हायर करने वाले होते हैं, वो टीम होती है। ये सामूहिक रूप से अपराध उन पर लागू होता है। वो नेशनल एक्ट के अंतर्गत, यानी आप अगर भारतीय अधिनियम के अंतर्गत आप बात करेंगे, इंडियन एक्ट के अंतर्गत वो पनिशेबल होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर ट्रीट किया जाएगा। बीमार व्यक्ति को काम पर रखने से कंपनी की हेल्थ सेफ्टी व्यवस्था, यानी हर कंपनी अपनी हेल्थ सेफ्टी व्यवस्था बनाकर रखी है, एक सेफ्टी का मानक बनाकर रखी है, हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जाए ये एक मानक बनाकर चल रही है, उसका हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट है। तो जैसे ही आप किसी बीमार व्यक्ति को रखते हैं कंपनी में, तो उसका हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट जो है वो तुरंत हाई रिस्क पर चला जाता है। और एक ऐसा रिस्क जो सामने तो है, आपको दिखाई भी दे रहा है, लेकिन वह छुपा हुआ है, वो कब मुसीबत में आपको खड़ा कर दे, आपको भी इस बात का अंदाजा नहीं है। अब जैसे अगर हम बात करें, दुर्घटना होने का चांस काफी बढ़ जाएगा। कंपनी दुर्घटना होने का, अगर कोई अल्कोहलिज्म है तो उसे आदत तो वही है, वो अपनी आदत से बाज तो आएगा नहीं, वो उसे साइट पे काम करते हुए उसे दुर्घटना हो सकती है, वो उसकी नसें फट सकती है, उसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसे कई चीजें हो सकती हैं, यानी उसका मूड हमेशा स्विंग होता रहेगा, ब्लेम कल्चर होगा वहां पे, एब्सेंटीज्म बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगा, ये तमाम तरह की बातें बढ़ेंगी। और जब ये सारी स्थितियां बढ़ेंगी, ये सारी घटनाएं बढ़ेंगी, तो कंपनी को अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पड़ेगा। और कंपनी जो है अतिरिक्त खर्चा का बोझ क्यों उठा? उसे अपने रूल रेगुलेशन को भी ध्यान देना है और उसे अपने तमाम बातों को भी ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अल्कोहलिज्म एक ऐसा शब्द है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि कंपनियां क्यों डरती हैं। कंपनियों को डरने का कारण यही है। अल्कोहलिज्म का मतलब सीधा एक तौर समझिए, मुसीबत। और मुसीबत से शायद आप भी डरते हैं, मैं भी डरता हूं और कंपनी भी डरती है। और एक ऐसा मुसीबत जो जिसे जो है न रखने की इजाजत कौन देता है? इजाजत देता है कौन देता है? तो आप ये समझ सकते हैं कि इजाजत उसे देता है कंपनी एक्ट, ठीक है, कि आपको नहीं रखना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि डर क्यों लगता है, ये तमाम बातें होती हैं। अगर इसकी जांच की बात की जाए, अक्सर होता है कि भाई अल्कोहलिज्म की जांच की गई। अब जब जांच की गई तो जांच में बहुत सारी चीजें निकली। अब जांच कैसे होता है? तो जांच के लिए इसे ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड के सैंपल को लेबोरेटरी में जांच किया जाता है। और जब आप उसे लेबोरेटरी में जांच करते हैं, तो फिर जो है वो पता चल जाता है कि आपके ब्लड में ये नशे की मात्रा कितनी है, और उस आधार पर कंपनी आपको रिजेक्ट कर देती है या फिर सेलेक्ट करती है। अब देखो, कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में है कि भाई मेरा तो सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, फिर भी कंपनी ने मुझे क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। वजह क्या था? तो कंपनी ने रिजेक्ट आपको इसलिए किया क्योंकि आपकी जब जांच हुई, जब आपकी मेडिकल चेकअप हुआ, तो उस समय आप अल्कोहलिज्म के मरीज निकले, अल्कोहलिज्म की शिकायत हो गई, इस वजह से आपको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये सब कारण होते हैं। तो आई होप कि आपने अल्कोहलिज्म को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया होगा, कंपनी क्यों डरती है, क्यों नहीं रखना चाहती है, कानून क्या कहता है, और फिर ये परिस्थितियां क्या क्या होती हैं, क्या क्या रिस्क आ जाता है। तो ये तमाम कारण होते हैं जिसके वजह से कंपनी अल्कोहलिज्म यानी किसी बीमार व्यक्ति को नहीं रखती। अल्कोहलिज्म जो टर्म्स है, यह एक मेडिकल टर्म्स है जिसका सीधा अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके बॉडी में, जिसके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा अत्यधिक है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे।